इलेक्शन होना हमारी राइट है, जम्मू कश्मीर के लोगों की राइट है इलेक्शन करवाना और अपना नुमाइंदा चुनना। बीजेपी डरी हुई है कश्मीरी आवाम से, कश्मीरी नौजवान से, जम्मू के नौजवानों से, जम्मू के आवाम से, क्योंकि इन लोगों ने हमें 20 साल 30 साल पीछे कर दिया। जितना भी हमने कांग्रेस वालों ने आगे बढ़ाया था, इन लोगों ने हमें उतना ही पीछे किया व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट। अब दूसरी बात, बीजेपी क्यों नहीं कर रही है इलेक्शन? बीजेपी इसलिए इलेक्शन नहीं कर रही है, उनको पता है कि हम उनको लद्दाख के उस पार भेजेंगे, 500 किलोमीटर पार, लद्दाख के उस पार जो हमारा नया बॉर्डर है उसके उस पार भेजेंगे, इसलिए इलेक्शन वो नहीं करवा रहे हैं। वो आवाम से डरे हो गए। ए टीम, बी टीम, सी टीम की अगर आप बात करेंगे, मैं इनके प्रेसिडेंट्स की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, बट इनको डराया गया है। जैसे ईडी आपने देखा होगा, ईडी है यहाँ पे, इनकम टैक्स, बाकी जो जिसको बीजेपी यूज़ कर रही है, इसीलिए इनको डरा धमका के ये इनको ए टीम, बी टीम, सी टीम बनाया गया है। देखिए, अगर सरकार नौजवान को रोज़गार देगी तो मुझे नहीं लग रहा है कि यूथ ड्रग्स की तरफ चली जाएगी। अगर जो कुछ भी अभी हो रहा है, आए दिन यहाँ पे कत्ल, यहाँ पे छुरी सुनाई दे रहा है, हमारे कानों में हो रहा है, वो सारा इसी वजह से हो रहा है। अगर हमारे नौजवान को रोज़गार दिया जाएगा, जो पूरे इंडिया में वो कह रहे हैं कि कश्मीरी नौजवान को रोज़गार दे दो, आप देख लीजिए कश्मीर में ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगी। और वही हमारा जो नौजवान है वो इस चीज़ का शिकार है। दैट इज़ गारंटीड, द कांग्रेस विल इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। जो हमारे सदर श्री विकार रसूल साहब है, उनकी सदारत में आपने देखा होगा हाल ही में भी जम्मू में भी आए दिन हमारा जलसे, लोग कितने हमारे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। कांग्रेस विल डेफिनेटली इमर्ज एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कश्मीर में भी इंशाल्लाह, क्योंकि कश्मीरी नौजवान हमारे सोच से सोच मिला के बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहती है, और उनको पता है कि बीजेपी के खिलाफ एक ही पार्टी है जो अभी तक खड़ी रही है, वो है कांग्रेस पार्टी। बाकी पार्टियों को बीजेपी डरा डमका के अपने साथ लेके जा सकती है, बट कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को कभी वो मेल नहीं होगा। देखिए, नवाज शरीफ की अगर बात करेंगे और पाकिस्तान की अगर बात करेंगे, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप अपनी कंट्री में देखें, फिर वो हमारी कंट्री में मुदाखलत करें। उनको कोई ज़रूरत नहीं, ना हमें ज़रूरत है उनका इधर मुदाखलत करना हमारे कश्मीर में और हमारे हिंदुस्तान में। वो अपनी कंट्री को बनाए, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाए अपनी कंट्री को, बस वही उनको चाहिए। दैट्स माई सजेशन टू नवाज शरीफ।